हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रॉयल किचन। आज हम बनाने वाले हैं कुछ हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, वो है वेज मोमोज। तो आप सब घर पे बैठकर बोर हो गए होंगे, तो क्यों ना इस क्वारंटाइन को मजेदार बनाया जाए। चलिए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। मैंने इसे गूंद लिया है, देखिए आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। ओके, तो अब हम फिलिंग से शुरुआत करते हैं। फिलिंग के लिए हमें लगेगा पनीर, धनिया, थोड़ी सी चीज विच इज ऑप्शनल क्योंकि हम एक हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़े से फाइनली चॉप्ड कैरेट्स एंड थोड़ी सी ऑनियन लेंगे हम, कैप्सिकम और थोड़ी सी चिली सॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा तेल चाहिए हमें। उसके बाद हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम गार्लिक डालेंगे, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा अदरक डालेंगे। हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। फिर हम डालेंगे गाजर और कैप्सिकम। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ग्रेटेड पनीर। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली सॉस डालेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप सब लोग इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा पेपर, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे हम इसे। अब हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। ये हो जाने पर हम इसमें हमारा ग्रेटेड चीज ऐड करेंगे ताकि ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे धीमी आंच पर करना है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम। देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप से शुरुआत करेंगे। जब तक कि हमारी स्टफिंग रेडी होती है, मैं एक छोटा सा बॉल लूंगी मोमोज के लिए आटे का।
छोटा सा बॉल लेना है हमें, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। थोड़ा सा हम फ्लोर डस्ट करेंगे इस पर, ठीक है। और हमें इसे एकदम पतला बेलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है, तो हम इसमें स्टफिंग भरना स्टार्ट करेंगे। ये स्टफिंग डालने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। देखिए इस प्रकार हम और भी बनाएंगे। और मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है, हम डबल बॉईल मेथड यूज करेंगे। देखिए नीचे मैंने पानी रखा है और हम इसे कवर करेंगे। हम इसे करीबन 10 से 15 मिनट तक के बॉईल करेंगे। और ये है हमारे छोटे शेफ, ये है मिस्टर आबिस। हाय। जब तक हमारे मोमोज रेडी होते हैं हम इनके छोटे मोमोज खाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाते हैं। तो आबिस आपको कैसा लग रहा है, मोमोज बनाने में मजा आ रहा है? हाँ बहुत आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे अभी। अभी आप इसे टर्न कर सकते हैं। वेरी गुड। थोड़ा फिंगर यहाँ पे थोड़ा फिंगर प्रेशर दीजिए। हाँ ये एकदम परफेक्ट मोमोज बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मोमोज बन गए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। इसे हम सॉस में थोड़ा सा डिप करते हैं। बहुत ही यमी है। बहुत यमी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।